सब्सक्राइब कीजिए नूर फैशन वर्ल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फैशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नूर फैशन वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे ऐसी वीडियो शेयर करने वाली हूँ जिसके मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि कई लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि मैम, जो पैंट या फिर प्लाजो होता है वो बीच में से खिंचता क्यों है, मतलब कि ऊपर ऊपर क्यों खिंचता है जब हम बॉटम से पहनते हैं। तो उसका आज मैं सोल्यूशन बताऊँगी आपको। और फ्रेंड्स, एक बात और बोलना चाहती हूँ कि जो मेरा न्यू चैनल है उस पर मैंने कुर्ती की सीरीज बताई है स्टेप बाय स्टेप, और अब मैंने उसमें शुरू कर दिए सलवार की सीरीज बनाना। तो सलवार को भी मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा वो चैनल नहीं देखा तो प्लीज़ आप देख लें, सब्सक्राइब कर लें। मेरे उस चैनल का नाम है द नूर टेलर, और उसके लिंक मैं ऊपर आपको आई बटन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रॉब्लम मैं बता रही हूँ ऊपर खिंचाव का के खिंचती है और पूरा बॉटम जो हमें प्रॉपर नीचे नहीं आता है, तो उसके दो तीन रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि ये जैसे मैंने रफ कपड़े पे ड्रॉ किया हुआ है अभी आपको बताने के लिए, पैंट या फिर प्लाजो आप इसको समझ लें। तो ये जो हम चीज़ रखते हैं यहाँ पर, ये क्रॉच लाइन है, और यहाँ पर जो ये चीज़ हम रखते हैं ये कम से कम 2.5 इंच होना चाहिए, ठीक है। तो इससे कम लोगे तो भी ये प्रॉब्लम आती है। ये कम से कम 2.5 इंच या फिर आप 3 इंच भी कर सकते हैं, इसको कम नहीं करना है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है इसमें कि ये जो आप शेप देते हैं इसका भी बहुत बड़ा इसमें हाथ रहता है। जैसे कि कई लोग क्या करते हैं, शेप इस तरीके से हाथों से देते हैं, तो इस तरीके से बहुत ही डीपली देते हैं, ये भी बहुत गलत हो जाता है। तो इस तरीके से डीपली नहीं देनी है आपको। क्या करना है, इस तरीके से जो शेपर आता है उसका यूज़ करें आप, जैसे कि इस तरीके से रखकर और इस तरीके से आपको ये शेप देनी है। तो इतनी डीप जाएगी ये, मतलब ये ज़्यादा डीप नहीं होनी चाहिए। और अगर आपके पास ये शेपर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि इस तरीके की प्लेट लेके भी आप इस तरीके से इसको यहाँ से मिलाना है और यहाँ से इस लाइन से मिलाना है, तो भी ये सही आता है इससे भी। तो आप ये प्लेट से भी दे सकते हैं। और एक रीज़न मैं और बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको दो रीज़न बता दिए कि एक ये रीज़न हो सकता है कि ये चीज़ कम ना हो, ये हमने 2.5 इंच बढ़ाया है इस लाइन से, 3 इंच भी बढ़ा सकते हैं, इससे कम नहीं ले सकते। दूसरा रीज़न है ये ज़्यादा डीप करने का, ये भी नहीं करिए, ये गलत है। इस तरीके से आप शेपर लें या फिर कोई बड़ी प्लेट लें, उस तरीके से ये बिल्कुल हल्का शेप आएगा। तीसरा रीज़न क्या हो सकता है कि आपका क्रॉच लाइन का छोटा होना, जो ये लाइन होता है इसका छोटा होना, तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि आपका आसन छोटा हो जाता है, तो उससे भी ऊपर बीच में खिंचाव बनता है, तो वो नीचे से गड़बड़ हो जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ, वैसे तो मैं हमने अपनी जो प्लाजो पैंट की वीडियोस में बता रखा है कि ये क्रॉच लाइन किस तरीके से ले, पर मैं इस वीडियो में आपको फिर से बता देती हूँ जो कि बिल्कुल आपको परफेक्ट समझ में आ जाए। तो चलिए बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बता रही हूँ कि आप आसन या फिर क्रॉच लाइन बोल लीजिए, उसकी लंबाई लेने का तरीका बताने वाली हूँ। तो जहाँ पे भी आप बिल्कुल समतल जगह पे बिठाइए, जिसका भी आप नाप ले रहे हैं, मतलब वो जगह दबनी नहीं चाहिए, समतल जगह पे बैठना चाहिए। तो मैंने कुर्सी पे बिठाया इनको, और जहाँ पे भी वेयर करते हैं बिल्कुल सीधा करके स्ट्रेट करके बैठना है, जहाँ पे भी वेयर करते हैं वहाँ से लेके बिल्कुल जहाँ पे बैठे हैं उस ज़मीन तक, तो आपको नाप लेना है पहले, और फिर वहाँ से आपको ये नाप ले लिया तो इनका 8.5 आ रहा है, क्योंकि ये बच्ची है छोटी 11 साल की, तो इनका 8.5 आ रहा है। फिर हमें इसमें 1.5 इंच प्लस करना है 8.5 में। तो चलिए मैं आपको वहाँ पे बताती हूँ। तो मैं आपको बता रही हूँ पैंट या फिर प्लाजो का हिसाब बता रही हूँ, सलवार का नहीं बता रही हूँ, सलवार का थोड़ा अलग है। तो जो मैंने अभी आपको नाप लेके दिखाया क्रॉच लाइन का, मतलब ये आसन की लाइन का, जो ये सीधी लाइन आ रही है इस चीज़ का, तो ये उनकी 8.5 आ रही थी, बट आपको पूरा 8.5 नहीं लेना है, आपको उसमें 1.5 इंच और प्लस करना है। तो
तो 1.5 इंच प्लस करके जो आपका आएगा वो आपको यहाँ पे वो लाइन रखनी है, चाहे फिर वो कोई भी साइज आए, सबका अलग अलग साइज होगा। तो 1.5 इंच आपको अलग से उसमें प्लस करना है, तो आपका जो आसन है वो छोटा नहीं पड़ेगा, थोड़ा बड़ा चल जाएगा, पर जो छोटा हो जाता है वो बहुत प्रॉब्लम होती है उसमें। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको समझ में आया हो, आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।